दोस्तों वारिस सर ब्लॉग पर आपका स्वागत है। देखिए आज सुबह से फिर लखनऊ में बारिश हो रही है और मैंने कहा आपको दिखाएं कि यहाँ पर आज बरसात में सुबह से कंटिन्यू रिमझिम रिमझिम की फुहार पड़ रही है और अब तेज़ हो गया है और आसमान में देखिए पूरे बादल छाए हुए हैं चारों तरफ और काफ़ी शांत लग रहा है माहौल। छत के ऊपर कहीं कोई दिखाई नहीं देता, हमारे सिवा कोई नहीं होगा हमें लगता है। और देखिए काफ़ी दूर तक आसमान में देखिए बादल छाए हुए हैं। तो देखिए सामने कितना हरा भरा आपको ये पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। मैंने देखा लखनऊ में काफ़ी दिनों से मैं रहता हूँ और मैक्सिमम यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे आपको ज़रूर दिखाई देंगे और ख़ास तौर में बरसात में तो काफ़ी हरा भरा दिखाई देता है। और इस समय देखा जाए तो यहाँ पर माहौल काफ़ी बेहतरीन है और बरसात का मौसम हो तो उसका माहौल ही कुछ अच्छा बन जाता है। तो देखिए बरसात में कपड़े सूखने के बजाय देखिए गीले हो रहे हैं, सुखाने के लिए फैलाए गए हैं, लेकिन जब मौसम ही नहीं दो तीन दिन से खुल रहे हैं, धूप नहीं हो रही तो अब क्या किया जाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखिए आपको दिखाई दे रही हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा होगा। तो मैंने कहा कि बरसात में जो ये पानी की बूंदें गिरती हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो छोटा सा ब्लॉग हमने कहा कि आप लोगों को दिया जाए लखनऊ का और देखिए कितना खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा है। माहौल काफ़ी शांत है, सब अपने घरों में चाय पकौड़ी यही सब खा रहे हैं और अंदर लेटे हुए हैं और मज़े ले रहे हैं अपना आराम से बरसात का। देखिए दूर छत पर कोई वहाँ पर जो है भीगता हुआ नज़र आ रहा है, चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए वहाँ पर हमको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि छत पर इधर उधर कुछ देख रहे हैं, शायद बरसात का पानी इधर उधर कहीं निकल रहा होगा तो वो देखने आए होंगे कहाँ से पानी आ रहा है कैसे क्या है। तो देखिए आज का ये बरसात का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको और जब बरसात होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर यहाँ के लखनऊ का जो बरसात का मौसम है ज़रूर देखें, मैंने कहा आप लोगों तक पहुँचाया जाए। बहुत जगह तो बिल्कुल ही बरसात नहीं है, अभी मैंने अपने घर पर फ़ोन किया था तो वहाँ पर तो धूप निकली हुई है और बता रहे थे बेहतरीन धूप निकली हुई है, कड़ाके की धूप है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये ज़बरदस्त माहौल है, वहाँ और यहाँ में काफ़ी अंतर है। ये तो खैर मौसम है, कहीं बारिश तो कहीं धूप ये लगी रहेगी, लेकिन काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर लखनऊ में इस समय। अभी हमने कहा कि चाय वगैरह पी करके पकौड़ी खा के हमने कहा कि बाहर देखें ज़रा, तो बड़ा अच्छा लगा तो हमने कहा आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाई जाए। तो देखिए पानी की बूंदें आपको गिरती नज़र आ रही हैं, देखिए 26 तारीख में तो लखनऊ में येलो अलर्ट दिया हुआ है बारिश का, शायद हो सकता है ज़बरदस्त बारिश आपको देखने को मिले। इसके पहले एक दिन ज़बरदस्त बारिश हुई थी तो गोमती नदी काफ़ी बढ़ गई थी। अब कल वाला देखना है कि बारिश अगर हो जाएगा ज़बरदस्त तो फिर से बाढ़ आने की संभावना बन जाएगी। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगी, आप लोग इस ब्लॉग को ज़रूर देखें और इसका आनंद लें। मैं लखनऊ
ये गोमती नगर खरगापुर से ये वीडियो शूट कर रहे हैं अपने छत पर। देखिए पानी का रफ्तार इस समय बढ़ता जा रहा है, देखिए कितना पानी हो गया छत पर और काफ़ी तेज़ी से पानी यहाँ छत पर इकट्ठे हो रहे हैं, देखिए भर गया यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि पानी अभी ये काफ़ी देर तक बरसेगा और पानी की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ हो जाएगी। आप देखिए दूर तक आपको काफ़ी तेज़ बरसात लग रहा है, देखिए छत पर कोई नहा रहा है और छोटे बच्चे भी साथ में खेल रहे हैं, तो बारिश का आनंद लेते हुए लोग अपना टाइम कीमती टाइम जो है यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि बरसात के पानी से नहाने में काफ़ी मज़ा आता है। तो देखिए लोग आराम से भीग रहे हैं, बढ़िया आनंद ले रहे हैं। देखिए ज़बरदस्त बरसात के कारण नालियाँ पानी से भर गई हैं और तेज़ी से बह रही हैं, ये कॉलोनी की कंडीशन है। लोग जो है रेन कोट छाते लेकर लोग निकल रहे हैं और जा रहे हैं, तो देखिए इस तरह से मजबूरी है, निकलना तो ही है, काम है तो आदमी को अपने काम पे जाना ज़रूरी है। तो आप देख रहे होंगे मैंने कहा थोड़ा सा एक छोटा सा ब्लॉग आपको दें यहाँ लखनऊ में जो बरसात हो रही है, तो देखिए कितनी बरसात हो रही है। ये घर के जस्ट सामने का ये नज़ारा है, आप देखें टावर है और फिर रोड और नालियाँ देखिए बहती हुई पानी काफ़ी तेज़ी से। तो अगर इस समय से अगर बरसात हो रहा है तो अगर कल 26 तारीख में जो अलर्ट दिया है उसे मेरे ख़्याल में बहुत ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है, और मैं आपको अगर ज़बरदस्त बारिश हुई तो दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आप देखिए अभी भी आसमान में बादल ज़बरदस्त छाए हुए हैं और बरसात अभी रुकी नहीं है।